आज हम देखेंगे जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क इन 7 मंथ 7 मिनट्स। एंड इससे पहले हम जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क देख लेते हैं कि जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क होता क्या है। जांगो एक तरीके का फ्रेमवर्क है, पर जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क एक तरीके की लाइब्रेरी है जो कि हमें हेल्प आउट करती है REST APIs बनाने में। एंड REST APIs आई डेफिनेटली आपको पता होगा क्या होती है कि लाइक बैक एंड और फ्रंट एंड में कैसे कनेक्शन दिखाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क को हम कैसे इन 7 मिनट के अंदर देखते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम जांगो का एक प्रोजेक्ट बनाएंगे बाय हिटिंग जांगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। एंड कोई भी आप प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हो, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कोर देता हूँ। एंड उसके बाद हम यहाँ पे इसके अंदर एक ऐप बनाएंगे। एंड ऐप का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे होम दिया हुआ है, सो मैं होम लिखूंगा एंड इसको एंटर करूंगा। उसके बाद मैं जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करूंगा। एंड आप देख सकते हो कि कौन कौन सी फाइल आपको स्टार्टिंग में मिल जाती है, ये सब बेसिक जांगो की फाइल। एंड अब हम यहाँ पे जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क को ऐड करेंगे अपने होम ऐप के ऊपर। उसके बाद अब हम सबसे पहले एक मॉडल बनाएंगे। एंड इस मॉडल का नाम रखेंगे हम पीपल। एंड इसके अंदर दो चीज़ें होंगी, फर्स्ट वन जो होगी वो आपका पर्सन का नेम होगा एंड जो सेकंड वन होगी वो आपकी पर्सन की एज होगी। सो हम उसको लाइक नॉर्मल जांगो में कैसे बनाते हैं, मॉडल डॉट कैल फील, क्योंकि हम यहाँ पे नेम स्टोर कर रहे हैं एंड इसमें हम मैक्स लेंथ ऑफ 100 दे देंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे पर्सन एज स्टोर करेंगे एंड एज हमारी एक इंटीजर फील्ड होगी, तो हम यहाँ पे मॉडल डॉट इंटीजर फील्ड को करेंगे। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये बेसिकली हमारा मॉडल तैयार हो चुका है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जो कि एक जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क की सेटिंग्स होगी। इसको में हम यूज करेंगे सीरियलाइजर। सीरियलाइजर का मतलब होता है डेटा को सीरियलाइज करना, मतलब जो जेसन डेटा आता है उस जेसन डेटा को डेटा में सेव करना एंड क्वेरी सेट में कन्वर्ट करना। उसके लिए हम इंपोर्ट करते हैं सीरियलाइजर। उसके बाद हम पर्सन सीरियलाइजर नाम से एक सीरियलाइजर बनाते हैं जो कि इनहेरिट करेगा मॉडल सीरियलाइजर से। उसके बाद में इसके अंदर हमें क्लास मेटा ऐड करना पड़ता है। मेटा का मतलब होता है इनर क्लास का फंक्शन। एंड हम यहाँ पे मॉडल का नाम ऐड करेंगे पर्सन, या कह सकते हैं जो भी पीपल था तो उसको हम ऐड करेंगे, पीपल पर्सन गलती से लिख दिया। अब उसके बाद हम यहाँ पे फील्ड्स लगाएंगे। फील्ड्स में आप यहाँ पे ऑल या फिर जो भी जिस फील्ड को आपको सीरियलाइज करना है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, मैं यहाँ पे ऑल लिखूंगा। अब हम आते हैं अपने व्यूज के ऊपर। व्यूज में सबसे पहले हम इम्पोर्ट करेंगे रेस्ट फ्रेमवर्क से लाइक रेस्पॉन्स को इम्पोर्ट करेंगे, जो रेस्पॉन्स एक तरीके का क्लास होगी जो कि डेक्ट ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट करती है, ठीक है। सो रेस्पॉन्स को इम्पोर्ट किया। उसके बाद में हम यहाँ पे इम्पोर्ट करेंगे नेक्स्ट चीज़ को जो कि होगा API व्यू, या फिर कह सकते हैं API डेकोरेटर। अब हम अपना सबसे पहला फंक्शन लिखेंगे गेट पर्सन नाम से जो कि रिक्वेस्ट पैरामीटर को एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद में हम एक स्टैटिक डेटा बनाएंगे पर्सन नाम से डिक्ट बनाएंगे, इसमें हम एज डालेंगे एंड पर्सन नेम में मैं अभिजीत डाल देता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद ये हमारा एक कह सकते हैं डिक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम इसको रिटर्न करवाएंगे एक उससे रेस्पॉन्स से पर्सन करके डिक्ट को। अब उसके बाद हम यहाँ पे डेकोरेटर को ऐड करेंगे API व्यू। उसके बाद इसके अंदर आप गेट पोस्ट कुछ पैड डिलीट कुछ भी पास करते हो, बट मैं यहाँ पे गेट API बना तो मैं गेट पास करूंगा। अब उसके बाद हम चलते हैं पोस्टमैन के अंदर। उससे पहले हमें URLs को सेटअप करना पड़ेगा। URLs के लिए मैं API करके एक डायरेक्टरी बनाता हूँ एंड इस डायरेक्टरी को आप रूट डायरेक्टरी के अंदर रखो। इसके अंदर init.py करके फाइल बनाई, तब उसके बाद URLs.py बनाया। अब उसके बाद इसके अंदर हम इस चीज़ को ऐड करेंगे ताकि वो मॉडिफाई कर पाए। तो जो भी हमारे APIs के राउट होंगे वो API से स्टार्ट होंगे, इस वजह से इसको हम इम्पोर्ट करेंगे API के। अभी हम जब मेन वाले जो URLs.py फाइल होती है उसमें हम ऐड करेंगे। उसके बाद में हम इंपोर्ट करते हैं होम्स के अंदर जो भी हमने अपना व्यूज लिखा था उसको। एंड उसके बाद पाथ में अपना गेट पर्सन्स लिखते हैं एंड उसके बाद में गेट पर्सन वाले फंक्शन को कॉल करवाएंगे, ओके। एंड अब हम यहाँ पे पाथ में API कॉल करेंगे, तो जो भी हमारा राउट रहेगा वो API/ आगे जो भी हम राउट का नाम देना चाहेंगे वो होगा, ठीक है। तो इंक्लूड को भी इंपोर्ट कर लेते हैं ताकि ये सब कुछ सही चले। अब आते हैं पोस्टमैन में, API को हिट करते तो आप देख पाओगे यहाँ पे जो डेटा हमने स्टैटिक डेटा वहाँ पे किया था वो आ रहा है। अब स्टैटिक डेटा से हम डेटाबेस से रियल डेटाबेस से डेटाबेस को लेकर के आएंगे, तो आप देखेंगे person.objects.all। एंड उसके बाद में हम मॉडल्स को इम्पोर्ट करेंगे पर्सन्स में। एंड नाउ अब हम यहाँ पे सीरियलाइजर को यूज करेंगे। सीरियलाइजर जो कि हमने बनाया था उस सीरियलाइजर को हम यहाँ पे यूज करेंगे पीपल करके people.object.all। उसके बाद में हम सीरियलाइजर को इम्पोर्ट करते हैं। इम्पोर्ट करने के बाद इस सीरियलाइजर का हम एक वेरिएबल बनाते हैं। उसके बाद इस जो भी हम ऑब्जेक्ट लेकर के आ रहे हैं जो भी क्वेरी सेट लेकर के आ रहे हैं उसको हम यहाँ पे पास कर देंगे विद मैनी ट्रू करके। फिर हम यहाँ पे पर्सन ऑब्जेक्ट को पास करेंगे एंड मैनी इक्वल टू ट्रू पास कर देंगे। उसके बाद हम इस डेटा को रिटर्न करवा देंगे। डायरेक्टली हम डेटा को रिटर्न करवा सकते हैं, अदरवाइज स्टेटस हम 200 करेंगे जो कि ऑर्डिनरली लाइक बेसिकली एप्लीकेशन पर यूज होता है। फिर डेटा करके की बनाएंगे, उसके अंदर सीरियलाइजर डॉट डेटा पास कर देंगे। एंड अब इस पर्टिकुलर लाइक माइग्रेशन अभी तक हमने एग्जीक्यूट नहीं करी है, तो हम माइग्रेशन एंड मेक माइग्रेट रन कर लेते हैं। एंड अब हम आते हैं पोस्टमैन में। अब यहाँ पे API को हिट करते हैं, ठीक है।
और सो जैसे हम एपीआई को हिट करते हैं और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो एपीआई है वो रिस्पॉन्स ले रही है एंड अब हमें डेटा यहाँ पे मिलेगा। तो अभी तक हमने कोई डेटा स्टोर नहीं किया था इसलिए एम्प्टी दिक्कत आ रहा है। अब हम यहाँ पे पोस्ट एपीआई बनाते हैं जिसकी मदद से हम लोग इस पर्टिकुलर एपीआई की मदद से हम डेटाबेस में एंट्री करेंगे एंड इस फंक्शन का नाम होगा सेव पर्सन करके। एंड इसमें हमें डेटा को लेकर के आने के लिए लाइक फ्रंट एंड से जो डेटा आता है उसके लिए हम करते हैं रिक्वेस्ट डॉट डेटा, जो भी लाइक की वैल्यू पेयर में आता है वो डेटा हमें इसमें मिल जाता है। उसके बाद सीरियलाइजर में हम डेटा इक्वल टू डेटा पास करेंगे एंड अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो इस वैलिड करके होती है। इस वैलिड में मतलब सारी फील्ड्स को चेक करा जाता है कि क्या क्या ये जो मॉडल्स के अंदर फील्ड है, इट्स अ काइंड ऑफ जांगो फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे लाइक चेक होगा, उसके बाद हम यहाँ पर रिटर्न करवा देंगे, अगर कोई एरर होगी तो रिटर्न करवा देंगे, अगर डेटा हमारा सही होगा तो सीरियलाइजर डॉट सेव कर देंगे। उसके बाद में रिस्पॉन्स में हम 200 भेज देंगे, डेटा भेज देंगे एंड मैसेज भेज देंगे कि डेटा सेव करके। अदरवाइज अगर कुछ एरर होता है तो हम यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे स्टेटस ऑफ लाइक 400 रिटर्न करवा सकते हैं। सो स्टेटस हम यहाँ पे 400 को रिटर्न करवाएंगे एंड उसके बाद में हम यहाँ पे मैसेज को रिटर्न करवा देंगे समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके, उसके बाद में हम यहाँ पे डेटा में सीरियलाइजर डॉट डेटा पास कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम यहाँ पे सेव पर्सन का राउट बनाएंगे ताकि हम इस पर्टिकुलर एपीआई को एक्सपोज कर पाएं। अब पोस्टमैन में आते हैं, चेक करते हैं एक टेक डेटा को, इसके अंदर सेंड भेजेंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ दिक्कत है। लेट मी सी, अब हमें यहाँ पे दिक्कत क्या होगी, यहाँ पे हमें सीरियलाइजर डॉट एरर्स करना पड़ेगा क्योंकि एरर यहाँ पे रेज करेगा। तो अब हम एपीआई को हिट करते हैं तो आप देख सकते हो ये फील्ड इनवैलिड थी इसलिए ये डेटा नहीं मिला, तो हमें इन फील्ड्स को क्रिएट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम पर्सन नेम क्रिएट करेंगे, उसके बाद में हम यहाँ पे पर्सन एज क्रिएट करेंगे। नेम में अभिजीत पास कर सकते हैं एंड एज में जो भी मेरे लाइक करंट में एज है लाइक 25 है तो वो 25 पास कर देंगे। ओके एंड नाउ लेट्स क्रिएट, एंड जैसे ही हम यहाँ पे गेट एपीआई को हिट करेंगे तो वो डेटा जो हमने क्रिएट किया था वो मिल जाएगा। एक और बार ट्राई करते हैं अननेम करके एंड इस टाइम पे चेक करते हैं कि क्या वो डेटा था। सो आप देख पाओगे वो डेटा अब हमें मिल चुका है। सो ये था जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क की कि कैसे हम जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क को इन जस्ट 6.4 मिनट्स या फिर कैसे 6.40 सेकंड में सीख सकते हैं। एंड आई होप ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है सो आप न्यूटन स्कूल में इनरोल कर सकते हो। न्यूटन स्कूल बेसिकली ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। एंड ये जो ट्रेनिंग होती है ये कंप्लीट 6 मंथ लॉन्ग ट्रेनिंग होती है। इसमें आपको बैक एंड फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज को सिखाया जाता है एंड द बेस्ट पार्ट इज यहाँ पे आपको कोई भी अमाउंट तब तक नहीं पे करना जब तक आपकी जॉब 5 लाख से ऊपर की ना लग जाए। एंड आपको इसमें कोई भी बैकग्राउंड से हो, आपको लाइक आपने बीबीए किया हो, आपने कुछ भी किया हो, आप ग्रेजुएट हो, बीएससी किया हो, बीए किया हो, बस आपके अंदर एक स्पिरिट होनी चाहिए कि आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है एंड इजीली आप बन सकते हो। एंड न्यूटन स्कूल के जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। सो डेफिनेटली आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आप जाकर के उस कोर्स में इनरोल कर सकते हो। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो एंड इफ यू हैव लाइक अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड ऐसी और धमाकेदार वीडियोज़ को देखने के लिए इस वीडियो को और लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू।